रिटायरमेंट के लिए चार तरह के प्रोविडेंट फंड हैं, लेकिन सभी इसमें पैसे जमा नहीं कर सकते। कुछ खास पीएफ कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए ही मान्य होते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। ये एक अनिवार्य योगदान है जो हर सैलरीड कर्मचारी को करना होता है। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपके रिटायरमेंट के लिए ये पैसे आपकी सैलरी से हर महीने कटते हैं। इसमें 12% एम्प्लॉय की सैलरी से कटते हैं और 12% एम्प्लॉयर जमा करता है। सरकार फिलहाल ईपीएफ पर 8.5% का ब्याज दे रही है। ये पैसा ईपीएफ खाते में जुड़ा रहता है और खाता धारक को रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के फंड की, वॉलंटरी पीएफ वीपीएफ। आपको अपने पीएफ योगदान को अगर बढ़ाना है तो एक एम्प्लॉय वीपीएफ के जरिए अपनी बेसिक सैलरी के 12% से ज्यादा योगदान वॉलंटरी पीएफ फंड के जरिए कर सकता है। यहाँ पर वो अपनी सैलरी का 100% तक योगदान डाल सकता है और वीपीएफ पर ईपीएफ की तरह ही ब्याज मिलता है। जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ, ये पीएफ केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, वो भी उनका जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के पहले नौकरी ज्वाइन की है। ये स्कीम अब बंद हो चुकी है। इसकी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एनपीएस के दायरे में ही आते हैं। जिनका पुराना अकाउंट चल रहा है वही इसमें योगदान देते हैं और अपनी सैलरी का वो न्यूनतम 6% योगदान दे सकते हैं या उच्चतम जितना चाहें। सरकार की तरफ से इसमें ब्याज भी मिलता है और मौजूदा ब्याज इन्हें मिल रहा है 7.10% का। एक और तरह का पीएफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, और ये खाता कोई भी खोल सकता है, सैलरीड हो, निजी क्षेत्र में काम करने वाला हो, व्यवसायी हो, स्वरोजगारी हो। इस खाते का आपकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। आप इस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, साल में 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। अभी इस पर 7.10% का ब्याज मिल रहा है और इसकी अवधि होती है 15 साल की, यानी लंबी मैच्योरिटी।